मोहद्दीपुर में प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र यादव को गोली मारने के आरोपी 25,000 के इनामी शुभम सिंह बरहज को कैंट पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार रात 10 बजे के करीब रामनगर करजहां के पास घेराबंदी के दौरान शुभम ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। खुद को बचाते हुए पुलिस ने शुभम सिंह बरहज को पकड़ा। उसके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, खोखा और घटना में इस्तेमाल बाइक को बरामद किया है। आरोपी शुभम सिंह देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र के जयनगर गांव का रहने वाला है। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि शुभम सिंह के आने की सूचना पर पुलिस टीम इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पहुंच गई। चेकिंग शुरू हुई तो एक बाइक पर आता युवक दिखा, जो पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो रामनगर करजहां के पास उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने खुद को बचाते हुए घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। शुभम सिंह बरहज पर 4 मुकदमे हो जाएंगे। हत्या की कोशिश के 2 मुकदमे मोहद्दीपुर कांड से पहले से दर्ज हैं। अब पुलिस टीम पर फायरिंग में हत्या की कोशिश का केस पुलिस दर्ज कराएगी। इसके अलावा उसके पास से तमंचा मिला है, जिससे आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होगा। गोली कांड से पहले उसके ऊपर एक भी केस दर्ज नहीं था। सीओ ने बताया कि पकड़ा गया युवक 21 सितंबर को मोहद्दीपुर के आरकेबीके के पास प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र यादव को गोली मारने का आरोपी था। पूछताछ में पुलिस को 2 शरणदाताओं के भी नाम पता चल गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम सिंह सिंघाड़ा समेत 11 लोगों, सुमित चंदेल, शुभम राव, अविनाश सिंह, प्रज्वल सिंह, विक्रांत पासवान, प्रिंस शाही, आदर्श शुक्ला, विनय सिंह जानू और पासा रेस्टोरेंट के मैनेजर जाकिब को जेल भेज चुकी है।